हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ डॉक्टर आनंद कुमार शर्मा। माय रैंक इज 62 इन सीएससी 2018। इन दिस वीडियो विल बी डिस्कसिंग अबाउट द एथिक्स केस स्टडी प्रिपरेशन, कि केस स्टडी प्रिपरेशन की स्ट्रैटेजी कैसे होनी चाहिए, कैसे अप्रोच करना चाहिए, किस तरीके से आंसर लिखने की कोशिश करनी चाहिए। एथिक्स केस स्टडी जो है वो काफ़ी सिग्निफिकेंट पार्ट है, बिकॉज हाफ पेपर जो होता है ऑलमोस्ट 125 मार्क्स और 130 मार्क्स जो है केस स्टडीज पे बेस्ड होते हैं, तो विच एक्चुअली कैन डिसाइड योर मार्क्स और कैन इंक्रीज और डिक्रीज योर मार्क्स बेस्ड ऑन हाउ यू आर राइटिंग द केस स्टडी। तो सबसे पहले तो विल डिस्कस की केस स्टडी पढ़ने का तरीका क्या है, क्योंकि कोई स्टैंडर्ड तरीका तो है नहीं कि एक जगह सोर्सेज हो वहाँ से आप कर लें। सबसे इम्पॉर्टेंट है न्यूज़पेपर, बिकॉज जनरली केस स्टडीज आर बेस्ड ऑन द फेमस इंसिडेंसेस हैपनिंग ऑल अराउंड द कंट्री, कि कोई फायर का इंसिडेंस हुआ, किसी डीएम ने कहीं जाके खाना खाया, या कोई सोशल डिस्क्रिमिनेशन का केस है, या कहीं वायलेंस अगेंस्ट वुमेन का है, कहीं पे कास्ट सिस्टम की वजह से कुछ इश्यूज आ रहे हैं, या कोई ब्यूरोक्रेसी का कोई केस है कि जैसे किसी सीनियर ने मना किया या आपकी इंटीग्रिटी टेस्ट करने के लिए। तो जो जनरली थोड़े फेमस केसेस हैं वो भी काफ़ी कवर करने की कोशिश की जाती है केस स्टडीज़ के थ्रू। उसके अलावा कुछ थीम्स हैं जो केस स्टडीज़ की, थीम्स इन द सेंस कि जनरली थीम्स इन 7-8 थीम्स पे केस स्टडी रहती है। जैसे एक केस स्टडी होगी आपकी एनवायरनमेंट और डेवलपमेंट के बैलेंस पे, कि कैसे आप एनवायरनमेंट और डेवलपमेंट पे बैलेंस रख सकते हैं। दूसरी केस स्टडी होगी आपकी इंटीग्रिटी टेस्ट करने के लिए, कि आपकी इंटीग्रिटी आप कितना मेंटेन कर सकते हैं, कितना आप बैलेंस रखते हैं। एक केस स्टडी होगी आपकी एम्पथी और कंपैशन चेक करने के लिए टुवर्ड्स द वीकर सेक्शन, जैसे फॉर वल्नरेबल सेक्शन लाइक वुमेन और शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स और एल्डरली पीपल और मे बी स्पेशली डिसेबल्ड पीपल, इनकी तरफ आपकी एम्पथी और कंपैशन कैसा है उसको चेक करने के लिए। फिर एक केस स्टडी होती है आपका बैलेंस ऑफ जजमेंट चेक करने के लिए, कि आप कितना बैलेंस जजमेंट ले सकते हैं सब चीज़ों को कंपास करने के लिए, कि आप जैसे कहीं पर राइट्स हो रहे हैं या कहीं पर कैसे आप डिसीजन मेकिंग करते हैं, कि वो डिसीजन मेकिंग और बैलेंस जजमेंट पर एक आपकी केस स्टडी होती है। और एक केस स्टडी होती है आपके वुमेन रिलेटेड इशूज़ पे स्पेसिफिकली, कि वुमेन की तरफ आपके केस क्या, आपकी जो इशूज़ हैं उसको आप कैसे एड्रेस करेंगे, क्या आपका नो टॉलरेंस है या नहीं, जैसे। और सिमिलरली इंटीग्रिटी में करप्शन रिलेटेड, कि आपकी करप्शन से टॉलरेंस कितना है, टॉलरेंस है नहीं है, कहीं आपकी इंटीग्रिटी कॉम्प्रोमाइज तो नहीं है। तो इस तरीके के ये 7-8 डायमेंशंस हैं, इन पे आपको वर्क करना है। आप पिछले साल के पेपर उठाइए 2013 से लेके 2018 तक के, 2-3 बार तो केस स्टडीज भी रिपीट हुई हैं। तो आप इनके दो साल, सबसे पहला काम यही करना है आपको कि 2013 से 2018 तक के पेपर उठाइए, आप डायमेंशंस को आइडेंटिफाई करिए 7-8 को, ठीक है। उसके बाद उन 7-8 जो 2013 से 18 के पेपर्स हैं उन पेपर का सोल्यूशन देखना है आपको, कि उनके क्या आंसर्स हैं, क्या अप्रोच रही है। ये तो मॉडल आंसर्स अवेलेबल है मार्केट में, कुछ टॉपर्स ने डिस्कशन डाला हुआ है, कुछ कुछ लोगों ने अपने आंसर्स लिखे हुए हैं। तो बेसिकली आपको सबसे पहला काम करना है 2013 से लेके 2018 तक के पेपर को डाउनलोड करके उनकी केस स्टडीज़ को स्टडी करनी है, अच्छे से एनालिसिस करनी है और उन पे आपको पकड़ बनानी है। एक बार आपने 5 साल के पेपर पे पकड़ बना ली तो आपके जो मेजर एरियाज़ हैं वो आपके कवर हो जाएंगे, कि आपने किन किन एरियाज़ पे केस स्टडी को वर्क करना है, क्योंकि वो जनरली बाय एंड लार्ज सेम एरियाज़ को वो रिपीट करते हैं। उसके बाद आपने जब ये कर लिया, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होगा आपका कि आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी है केस स्टडीज़ की। एटलीस्ट 10 से 15 केस स्टडीज़ लिख के देखिए एंड कम से कम 20 से 30 केस स्टडीज़ को पढ़ के सॉल्व कर लीजिए, कि 10 से 15 में तो आप आंसर लिख लीजिए कि आपने देखा कि भाई ऐसे लिखना है, ये डायमेंशंस होंगे, ये आस्पेक्ट्स होंगे, ये नहीं होंगे। दूसरा पार्ट उसके बाद उनको कुछ को आप सिर्फ देख लीजिए ऊपर ऊपर से, अच्छा ये इस इशू को डील कर रहा है तो इसमें मैं ये वैल्यूज़ डालूंगा, इससे ये इशूज़ को डील कर रहा है तो उसमें मैं ये वैल्यूज़ को एडजस्ट करूंगा, ये वाला पार्ट कर लीजिए। तो सो दैट अराउंड 40 से 50 केस स्टडीज से आप फेमिलियर हो जाओ, और हो सकता है कहीं ऐसा हो कि उन 40-50 केस स्टडीज़ में से आपकी 2-3 केस स्टडी डायरेक्टली फंस जाए, तो आपको मेहनत भी कम करनी पड़ेगी। उसके अलावा नेक्स्ट स्टेप इज कि हाउ टू अप्रोच द केस स्टडीज़, कि कैसे अप्रोच रखनी है। तो केस स्टडी की अप्रोच ना एक मिक्स होगा आपका आइडियलिज्म का और प्रैग्मेटिज्म का। आइडियलिज्म का इन द सेंस कि आपके कुछ वैल्यूज से आपको कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी, डेडिकेशन टुवर्ड्स द सिविल सर्विसेज, एम्पैथी एंड कंपैशन टुवर्ड्स द वीकर सेक्शंस, इनमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। इसमें कॉम्प्रोमाइज़ किया तो दैट विल हैम्पर योर मार्क्स वेरी बैडली। और कुछ वैल्यूज़ हैं
जिसपे आप थोड़ा प्रैग्मेटिज्म दिखा सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल कि अगर कोई कोई पेश एक ओल्ड एज पर्सन आ रहा है, एक उसमें ये है कि उसके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, लेकिन वो शायद एलिजिबल है आपके किसी बेनिफिशियरी स्कीम के लिए, तो आप रूल वाइज देखेंगे तो आप शायद उसको ना दें बेनिफिशियरी. लेकिन सिविल सर्विसेज किस लिए है? कि लोगों के भले के लिए, रूल्स भी लोगों के भले के लिए हैं. तो आप उसको अवॉइड करके आप उसमें इस केसेस में थोड़ा सा रूल्स को तोड़ के आप एम्पथी एंड कंपैशन टुवर्ड्स द वल्नरेबल सेक्शन एंड और द वीकर सेक्शंस लाइक ओल्ड एज, डिसेबल्ड, इनकी तरफ जाके आप रूल के ऊपर जाके एम्पथी एंड कंपैशन को ऊपर रखेंगे और आप डिसीजन लेंगे कि मैं उसको दे सकता हूँ. अच्छा, उसके अलावा जब आप केस स्टडीज को अप्रोच कर रहे हैं तो अप्रोच करते वक्त आपको याद रखना है वैल्यूज़ का, और सारी की सारी वैल्यूज़ हमारे सिलेबस में दी हुई हैं. आप अपना सिलेबस उठाएंगे एथिक्स का तो इसमें जो भी वैल्यूज़ दिए हैं आप आइडेंटिफाई करेंगे उन्हीं वैल्यूज़ पे बेस्ड केस स्टडीज़ हैं. तो ये याद रखिए, जब आप केस स्टडीज़ में लिख रहे हैं तो इन वैल्यूज़ का मेंशन ज़रूर करें. अगर मेंशन नहीं करें तो एग्जामिनर को ये चीज़ समझ नहीं आएगी कि आपको ये स्ट्राइक ही नहीं किया है कि ये केस स्टडी किस इशू या किस वैल्यू को रिलेटेड है. सपोज करो कि अगर इंटीग्रिटी पे है तो आपको मेंशन करना है कि दिस इज अबाउट द केस ऑफ द इंटीग्रिटी और ऑनेस्टी और मे बी डेडिकेशन टू सिविल सर्विसेज, एम्पथी एंड कंपैशन और मे बी प्रॉबिटी इन गवर्नेंस, वट एवर इज द केस, वो आपको मेंशन ज़रूर करना है. आपको बेसिकली जो सिलेबस के शब्द हैं उन्हीं को इस्तेमाल करना है अपनी केस स्टडीज़ में आंसर लिखते वक्त, कि जो भी वैल्यूज़ हैं इंटीग्रिटी, एम्पथी, कंपैशन, प्रॉबिटी इन गवर्नेंस, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, लीडरशिप, ये सारे डेडिकेशन टू सिविल सर्विसेज, इन्हीं के बेस पे आएगी केस स्टडी. तो उन वैल्यूज़ को लिख के आपको आप अपने आंसर्स को लिखना है ताकि आपको एक होलिस्टिक आंसर लिखे. तीसरा पॉइंट इस आंसर में कई कई जगह पूछा होता है व्हाट आर द मेजर्स यू आर गोइंग टू टेक. तो मेजर्स में एक होलिस्टिक मेजर्स लिखने हैं. सबसे पहले कैसे लिखना है मेजर्स को, आप आइडेंटिफाई करो क्या क्या प्रॉब्लम आपकी केस स्टडीज में दी हुई है. जो जो प्रॉब्लम्स दी हुई हैं हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने का मेजर लिखना है आपको. तो एक होलिस्टिक मेजर होना चाहिए और वो भी दो तरीके के. वो कैसे, एक तो शॉर्ट टर्म मेजर होने चाहिए और एक अपने लॉन्ग टर्म मेजर्स के बारे में आपको लिखना है, ताकि आपका आंसर सिर्फ ऐसा ना हो कि आप सिर्फ शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन ढूंढ गए उस प्रॉब्लम का, बल्कि एक सस्टेनेबल लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन भी उस प्रॉब्लम का आपको देना चाहिए. कि सपोज करो डिजास्टर मैनेजमेंट पे एक क्वेश्चन है तो आपने शॉर्ट टर्म में तो रेस्क्यू रिलीफ कर दिया, लेकिन लॉन्ग टर्म में कैसे आप रिहैबिलिटेशन करेंगे विद रिस्क अवर्जन और साथ में रेस्क्यू एंड रिलीफ के मेजर्स को और ज़्यादा स्ट्रेंथन कैसे करेंगे, तो उस पर भी आपको फोकस करना है. तो आपके मेजर्स शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म दोनों के एक मिक्स होने. अब तीसरा पार्ट है कि आप कैसे केस स्टडी को लिखते हैं कि कैसा है. इसके कई सारे अप्रोच हैं, एक कोई सिंगल अप्रोच नहीं है. जैसी अप्रोच आपको ठीक लगती है. एक अप्रोच है कि आप कुछ लोग क्या करते हैं, सबसे पहले जिस्ट लिख देते हैं केस स्टडीज़ का, कि जो भी है इस केस में क्या क्या डीलिंग हो रही है, कौन कौन स्टेक होल्डर्स हैं, और उसके बाद मेन केस स्टडीज़ पर डिस्कशन करते हैं विद रीजंस टू बिलीव, कि मैंने ये स्टेप ले रहा हूँ, मैं क्यों ले रहा हूँ, ये स्टेप लिया फिर ये क्यों लिया, ये स्टेप लिया तो ये क्यों लिया. कुछ लोग ऐसे करते हैं, कुछ लोग डायरेक्ट लिख देते हैं कि एक तीन चार लाइन में एक समरी लिखी और उसके बाद सीधा अपना जो भी स्टेप्स आपने जो लिए, जो भी डिस्कशन करना है, रीजंस टू बिलीव करना है, और साथ में कंक्लूडिंगली आपको अपने सारे के सारे उसको स्टेप करना है कि आपने जो स्टेप्स लिए उसका क्या इम्पैक्ट होगा शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म. अच्छा, उसके अलावा केस स्टडी में ये याद रखिए, जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल कोई लीगल आस्पेक्ट है, कि सपोज करो देयर इज अ डोमेस्टिक वायलेंस गोइंग और मे बी समथिंग हरासमेंट ऑफ अ वुमेन, तो मेंशन अबाउट द एक्ट कि सेक्सुअल हरासमेंट एक वर्क प्लेस का एक एक्ट है, या डोमेस्टिक वायलेंस के अगेंस्ट एक्ट है, या फिर क्राइम वर्ल्ड एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के लिए कोई एक्ट है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के लिए कोई एक्ट है, प्रोहिबिटी के लिए कोई रूल्स हैं, या सिविल सर्विसेज कंडक्ट रूल्स क्या कहते हैं आपके, इनके बारे में भी आपको मेंशन करना है अपने आंसर्स में. दिस विल शो कि आपकी जो अवेयरनेस है, जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है टॉपिक की, वो काफ़ी होलिस्टिक है, जिसमें आपको लीगल आस्पेक्ट, सोशल आस्पेक्ट्स, आपको एथिकल आस्पेक्ट, ये सारी चीज़ें आपको पता हैं, और अपने आंसर को आप इन सारी चीज़ों से एक बैलेंस करके एक आंसर को लिख रहे हैं. तो ये, और दूसरा, अपने स्टेप में बहुत ज़्यादा आइडियलिस्ट, ओवर आइडियलिस्टिक मत हो जाइए. कि जैसे सपोज करो एक एग्जाम क्वेश्चन आया था कि आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं और किसी का एक्सीडेंट हो गया, यूपीएससी का एग्ज़ाम था, तो एक अप्रोच आप लोग दो कि नहीं मैं सब एग्जाम एग्जाम छोड़ के सबसे पहले मदद करने जाऊंगा एक. लेकिन दूसरा अप्रोच ये है कि आप बैलेंस भी कर लो, कि आप उस बच्चे को उसको हॉस्पिटल भी पहुंचाओ और अपना एग्ज़ाम भी दे पाओ. तो ये थोड़ा प्रैग्मेट और आइडियलिज्म का मिक्स अप्रोच है, ताकि आप सारी चीज़ों को सोल्यूशन दे पाओ.
ऐसा ना हो बोल दे एग्जाम छोड़ दूंगा मैं सारे के सारी सिर्फ उसको हॉस्पिटल लेके जाऊंगा। इससे अच्छा कि वो एक मिड पाथ ढूंढो और सॉल्यूशन निकालो दोनों की प्रॉब्लम्स का, कि आप एग्जाम भी दे पाओ और उसको इमीडिएट रिलीफ और केयर भी मिल पाए हॉस्पिटल से। ऐसे सॉल्यूशंस ढूंढने की कोशिश करो कि प्रैग्मेटिज्म भी हो जिसमें और आइडियलिज्म भी हो, ताकि अपने आंसर को एक बैलेंस्ड आंसर लिख पाओ। तो ये था केस स्टडी, बेसिकली अप्रोच करने का तरीका और आपने कैसे आपको प्रिपेयर करना है। थैंक यू। चाणक्य IAS अकेडमी के साथ जुड़े रहने के लिए अभी सब्सक्राइब करें और हमारी नई वीडियोस की जानकारी रखने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।